अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है अपना जो वेब ब्राउजर है उसका इंटरनेट एक्सप्लोरर वो उसको बंद कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये कहा है कि वो आज ही के दिन से यानी कि 15 जून से इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर रही है क्योंकि जो उसका लेटेस्ट वेब ब्राउजर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज है उसको यूज करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए वो इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर रही है। उसको बंद करने से कंपनी का मतलब ये नहीं है कि आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, कंपनी का उससे ये मतलब है, बंद कर रही है मतलब अगले साल से कंपनी इंटरनेट एक्सप्लोरर के जो भी टेक्निकल सपोर्ट से और जो भी अपडेट्स है वो प्रोवाइड नहीं करेगी। तो अब जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है पहली बार 16 अगस्त 1995 में लॉन्च हुआ था, मतलब 16 अगस्त 1995 में पहली बार स्टार्टिंग में आया था, लेकिन जब इंटरनेट एक्सप्लोरर आया था तो उससे पहले जो है नेटस्केप नेविगेटर नाम का बहुत ही पॉपुलर वेब ब्राउजर था वो चला करता था, लेकिन जब इंटरनेट एक्सप्लोरर आया था स्टार्टिंग में तो वो काफी ज्यादा पॉपुलर होकर सामने आया था। और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो मेनली विंडोज 95 के लिए बनाया गया था और मेरे हिसाब से काफी ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार जो इंटरनेट चलाया होगा वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही चलाया होगा, चाहे विंडोज 95 हो, विंडोज 98 हो या फिर XP हो, कुछ भी हो, पहली बार उसमें ही चलाया होगा। तो 27 साल बाद जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर अब रिटायर हो रहा है, मतलब बंद हो रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि 27 सालों बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करना पड़ रहा है? तो अब देखो, पहले के टाइम में भले इंटरनेट यूज करना था तो हम इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम में काफी ज्यादा जो है वेब ब्राउजर्स आ चुके हैं, जैसे मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया और भी काफी सारे जो है वेब ब्राउजर्स आ चुके हैं। और इसी को देखते हुए जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना लेटेस्ट वेब ब्राउजर निकाला था जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज है, जिसका प्रीव्यू अभी इसी साल के जनवरी में लॉन्च कर दिया गया था। और जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है, काफ़ी ज़्यादा जल्दी वेब पेजेस लोड करता है, मतलब गूगल क्रोम से भी ज़्यादा वो फास्ट है, मैंने खुद ने यूज़ करके भी देखा है तो मुझे अच्छे से पता है। और जो पहले के कंप्यूटर और लैपटॉप्स आते थे जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते थे उनके अंदर इनबिल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था, लेकिन उनमें से 5% या 10% लोग ही ऐसे होते थे जो उसको यूज करते थे, और कम यूज के कारण कंपनी जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिटायर कर रही है यानी कि बंद कर रही है। तो आपने कभी अगर यूज किया हो तो आपको मालूम होगा कि वो कैसा था और कैसा वर्क करता था। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आप क्या सोचते हो इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में, या आपने कभी यूज़ किया है या नहीं किया है, कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।